गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में जो आगे का सेक्शन है वहां पर चलते हैं, जहां पर टॉपिक को हमने छोड़ा हुआ था इसके पहले। ध्यान दीजिएगा, हम आज पढ़ेंगे गंगा का मैदान। इसके पहले जो हमने देखा है पंजाब का मैदान और राजस्थान का मैदान। गंगा का मैदान जब हम देखते हैं तो इसको बांटा गया है तीन हिस्सों में। ध्यान दीजिए, यहां पे गंगा के मैदान को तीन हिस्सों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान, इन तीन मैदानों को बांटा गया है। अब इन तीनों मैदानों को भी फिर से जो है कई छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। जैसे अगर हम लोग देखें यहां पर, जो आपका ऊपरी गंगा का मैदान है, ऊपरी गंगा के मैदान के अंतर्गत रुहेलखंड का मैदान और अवध का मैदान आ रहा है। जबकि मध्यवर्ती गंगा के मैदान के बारे में हम लोग बात करते हैं तो गंगा यमुना दोआब, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, सारण का मैदान, मिथिला का मैदान, मगध या अंग का मैदान, ठीक। और आगे चलते हैं तो पश्चिम बंगाल या निम्न गंगा के मैदान के अंतर्गत ये वाला जो देख रहे हैं आप लोग, कौन सा आता है? पश्चिम बंगाल का मैदान, और इसके अंतर्गत राढ़ का मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र निर्मित डेल्टा, ये आपके इस तरीके से डिवीजन किए गए हैं गंगा के मैदान के अंतर्गत। थोड़ा सा हम लोग इसको और बेहतर तरीके से देखते हैं। इस वाले मैदान पर आइए, यहां पर आते हैं हम लोग, इस ग्राफिक्स में ध्यान से देखिएगा तो ये आपका पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यही हिस्सा आपका पूरा है गंगा के मैदान के अंतर्गत, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ठीक ना। गंगा के मैदान के अंतर्गत गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान के बारे में हम लोग बात करते हैं। मुख्य रूप से जब गंगा के मैदान में हम लोग आते हैं तो इस मैदान के अंतर्गत, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, गंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, यहां पर कोसी, महानंदा, सोन, बेतवा, चंबल और इसकी जो प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना। और यमुना ट्रिब्यूटरी किसकी है? गंगा की। ये सब आपस में मिलकर के गंगा के मैदान की रचना करते हैं। थोड़ा सा और बेहतर हम लोग समझने के लिए यहां पर आते हैं, इस हिस्से को देखिएगा तो हमें लगता है कि आपको यह चीज थोड़ा सा दिख रहा होगा मैप पर। यहां पर आते हैं तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये आपकी जा रही है गंगा नदी, देख रहे हैं यहां पे, हम इसी मैदान के बारे में बात कर रहे हैं। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे अपवाह क्षेत्र, ठीक है ना, बहुत से बच्चों के दिमाग में डाउट्स आ रहे होंगे कि चीजें जो है ये क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं तो केवल हम उन प्रदेशों का जो है केवल हम उनको देखते जा रहे हैं, कौन सा प्रदेश कहां पर है और वहां पर विशेषताएं क्या पाई जा रही हैं। नदियों के बारे में जब पढ़ेंगे हम लोग तो हम लोग वहां पर उसे प्रोजेक्ट कौन से हैं और नदियां किन किन नगरों से होकर गुजरती हैं, इन सब चीजों के बारे में कहां पढ़ेंगे हम लोग? अपवाह क्षेत्र के। तो गंगा देखिए ये है, और गंगा की जो प्रमुख सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो यमुना हो गई। अब यमुना की ट्रिब्यूटरी है, देखिएगा यहां पे विंध्य श्रेणी से निकल के जा रही है चंबल, चंबल की ट्रिब्यूटरी देखिएगा बनास, यहां देखिएगा विंध्य श्रेणी से एक नदी जा रही है माही, ये तो जाती है खंभात की खाड़ी में, आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। इसके अलावा आते हैं तो पार्वती, ये भी चंबल की सहायक है, बेतवा ये यमुना की सहायक है, फिर यहां पर आते हैं सोन, ये अमरकंटक से नदी निकलती है, ये भी जा रही है आगे की ओर, यहीं पर आते हैं हम लोग तो आपको मिलेगा यहां पर गोमती, फिर यहां पर ये देखिए आपको मिलेगा घाघरा, फिर ये हिस्सा आपका है गंडक, यहां पर आते हैं कोसी, यहां पर आपको मिलेगी बूढ़ी गंडक, यहां पर आइएगा तो आपको मिलेगी महानंदा। ये देखिए कुछ पैटर्न ये ऐसा है, नदी देखिए जब लास्ट में यहां पर गिरने को है पश्चिम बंगाल में, जैसा कि आप यहां मैप में देख रहे होंगे सुंदरबन डेल्टा के पास, तो यहीं से ही छोटा नागपुर पठार से नदी आती है आपकी जो है दामोदर, ठीक है ना। तो यहीं पर देखिएगा आपने मैप में रूप नारायण, बराकर, कसई, है ना,
ये कई छोटी छोटी यहीं पर देखिए पुनपुन घग्गर फाल्गु छोटी छोटी नदियां किसमें जाके मिल रही है, गंगा में। तो ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी हुई। तो ये जो पूरा हिस्सा आप एक तरीके से देख रहे हैं जिसको हमने यहां पर डिमार्केट किया हुआ है, यही पूरा का पूरा हिस्सा आपका आता है गंगा के मैदान के अंतर्गत। थोड़ा सा ये भी पिक्चर ज्यादा क्लियर नहीं है, यहां पर देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसकी विजिबिलिटी अदर मैप से ज्यादा बेहतर है। ये आइएगा, ये देखिए आपकी आ रही गंगा, ठीक है ना, ये रामगंगा, फिर यहां पर देखिएगा ये आ रही आपकी गोमती, गोमती की सहायक ये है सई नदी, फिर देखिएगा यहां पर शारदा, फिर शारदा बन जाती है घाघरा, ठीक है ना, घाघरा में आके मिलती है यहां पर राप्ती, ठीक। ये हिस्सा देखिएगा गंडक, ये फिर देखिएगा बूढ़ी गंडक, ये इसका गंडक का पुराना चैनल है, मतलब जहां पर पहले गंडक बहा करती थी अब गंडक नदी ने क्या कर लिया है, अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया है बिहार में। तो पहले गंडक यहां बहती थी, अब ये गंडक शिफ्ट होकर कहां पहुंच गई है, यहां पर, मतलब गंडक में भी बाढ़ आता है, बहुत ज्यादा आता है वहां पे। तो ऐसी स्थिति में अब बरसात के समय में जब बारिश होती है मानसून के समय बूढ़ी गंडक में बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, तो ये हिस्सा भी कैसा होता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है और नदी बहने लगती है। तो ये बूढ़ी गंडक यहीं पर आते हैं, तो देखिएगा आपको मिलेगी कोसी ये वाला हिस्सा, और यहां पर आते हैं तो आपको मिलेगी महानंदा, ठीक। ये देखिएगा आपकी जा रही है सोन नदी, पटना के पहले जाके मिलती है, फिर और आते हैं यहां पर केन। लेकिन ये सब नदियां किसे मिलती हैं, देखिएगा यहां ही से जहां से गंगा निकल रही है उसी के आसपास से यमुना भी निकल रही है, दिल्ली से होते हुए आगे बढ़ रही है, ठीक, और आकर के इलाहाबाद में मिल जाती है। अब ये जितनी भी नदियां हैं जो कि साउथ से कहां जा रही हैं, नॉर्थ की ओर जा रही हैं। ध्यान दीजिएगा हम लोग कहां पर है, प्रायद्वीपी भारत पर, ये नीचे का हिस्सा, हम लोग कहां जा रहे हैं उत्तर की ओर, हिमालय की ओर। तो ये जो आपके प्रायद्वीपी पठार की से निकलने वाली नदियां हैं किसमें जाके मिलती हैं, यमुना में। जैसे हम लोग बात करें जो प्रमुख नदी है यमुना में, तो ध्यान दीजिएगा विंध्यन श्रेणी की ओर से नदी जा रही है आपकी चंबल, ये देख रहे होंगे आप लोग, चंबल जाके मिलती है यमुना में, और देखिएगा यहीं पर ही आपकी मिलेगी बनास, फिर काली सिंध, पार्वती, फिर यहां पर सिंध, फिर देखिएगा यहीं पर ही बेतवा, फिर यहां पर धसान। ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है, जबकि काली सिंध और पार्वती ये जो है चंबल की ट्रिब्यूटरी है, बनास भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की। काफी कुछ हमने बात कर लिया इन रिवर्स के बारे में, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं प्लेन के बारे में, मैदानों को लेके हम लोग बात करते हैं। यहां पे देखिएगा जैसे अगर हम बात कर रहे थे जब रिवर सिस्टम लोग पढ़ेंगे तो नदियां निकलती कहां से हैं और इन नदियों की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, कुछ इस तरीके से हम आपको ग्राफिक्स वहां पर ड्रॉ कराते हुए काफी कुछ चीजें हम आपसे मेंशन करेंगे जहां पर आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा इसमें किस नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं वो आप ज्यादा बेहतर देख सकेंगे। देखिए यहां पर आपको विजिबिलिटी भी ज्यादा बेहतर मिल रही होगी, है ना। और आगे चलते हैं, ये देखिएगा ये भी हिस्सा आपका एक उसी मैपिंग सेक्शन का है जहां पर आपकी जो है ब्रह्मपुत्र नदी अंत में आप कहां मिलती है, इस गंगा नदी से कहां पर, बांग्लादेश में, विशेष रूप से हम लोग यहां पर देखेंगे। और आगे चलते हैं, अब आते हैं हम लोग अब जब बांटिएगा आप लोग गंगा को, इस जो ग्राफिक्स को थोड़ा सा हम साइड में रख रहे हैं यहां पर, और गंगा रिवर को अब हम बांटने चल रहे हैं यहां पे। ध्यान से देखिएगा ये आपकी रिवर है गंगा, कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको गंगा का मिलेगा। जब हम गंगा के बारे में पढ़ते हैं तो एक बात ये अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ये गंगा नदी निकलती कहां से है हम इसके बारे में बात करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए गंगा आइएगा जो इसका लोकेशन है, हम लोग बात करते हैं गंगोत्री ग्लेशियर,
रिवर सिस्टम में हम लोग इसको ग्राफिक्स से देखेंगे, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अभी जो गंगोत्री ग्लेशियर है इसका लोकेशन कहां पर है? गंगोत्री ग्लेशियर जो है एक गोमुख जगह है उत्तराखंड में, पहाड़ियों के बीच में, वहां से निकलती है। ठीक, और ये जो गोमुख जगह है ये आपको मिलेगा सतोपंत पर्वत पर। कहां मिलेगा? सतोपंत, ये आपको मिलेगा, एक मिनट रुक जाएगा, ये मिलेगा आपको जास्कर श्रेणी पर। ठीक है ना, और जो जास्कर श्रेणी है ये हिस्सा है आपके महान हिमालय का। किसका हिस्सा है? महान हिमालय का। और जो आप महान हिमालय देखते हैं ये हिस्सा है किसका? हिमालय का। क्लियर हुआ? और हिमालय के बारे में हम बात करते हैं तो ये जो लोकेशन है, जितना भी आप पढ़ते जा रहे हैं स्टेट के अकॉर्डिंग चलिएगा, तो ये मिलेगा आपको उत्तराखंड में। और आगे चलते हैं, जो उत्तराखंड है ये कहां मिलेगा आपको? भारत में। और ये कहां मिलेगा आपको? एशिया में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलें, गंगा नदी के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए कितना डायमेंशन आपसे जो है यूपीपीसीएस या यूपीएससी ड्रॉ कर सकता है। गंगा नदी है कहां की? एशिया की नदी है। गंगा कांग नदी है, भारत की नदी है। गंगा कांग नदी है उत्तराखंड से। गंगा कहां? हिमालय से। गंगा कहां से? महान हिमालय से। गंगा कहां निकलती है? जास्कर से। गंगा कहां निकलती है? गोमुख जगह से। गंगा कहां निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। स्टेटमेंट क्या हुआ? गंगा नदी उत्तराखंड में महान हिमालय की जास्कर श्रेणी के गोमुख नामक स्थान से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये तो हो गया गंगा नदी के निकलने के बारे में। आते हम लोग मैदान को ड्रॉ करते हैं। ये देखिएगा, इसका केवल हमने ओरिजिन पॉइंट लिखा हुआ है। जब आगे चलिएगा तो ये हिस्सा आपका हो गया गंगोत्री ग्लेशियर का। नदी यहां से निकलती तो है, ठीक, और जब ये निकलती है नदी तो यहीं पर ही उत्तराखंड में एक नदी आकर के इससे और मिलती है, और जहां पर ये संगम करती है नदी यहीं पर ही ये जगह आपकी है देवप्रयाग। कौन सी है ये? देवप्रयाग। लेकिन नदी निकलने से पूर्व जो नदी ये निकल रही है ये शाखा है आपकी भागीरथी। किसकी है? भागीरथी की। और ये जो शाखा आपकी आ रही दूसरी वाली ये है आपकी अलकनंदा। जनरली आप बुक्स में यही पढ़ते हैं और इस तरीके से स्टेटमेंट्स आपके बुक में लिखे जाते हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में, और मिलने के बाद यहीं से ही इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। और ये गंगा नाम कहां तक होता है? पश्चिम बंगाल पहुंचिएगा तो आपको जगह मिलेगा फरक्का। कौन सी जगह मिलेगा आपको वहां पे? फरक्का, पश्चिम बंगाल में। फरक्का एक्सप्रेस भी आप जनरली सुनते होंगे। अब यहां पर आते हैं, जब आप फरक्का पहुंचते हैं तो फरक्का से ही यही गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब नदी में आकर के कोई दूसरी नदी मिले, जैसे ये देखिए नदी कौन सी आकर के मिल रही है, तो ये सहायक हो गई। मतलब क्या हुआ? ट्रिब्यूटरी, अपना जल ट्रिब्यूट कर रही है, मतलब दे रही है। लेकिन जब कोई भी मुख्य नदी दो धाराओं में बढ़ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी। मतलब अब जो आपकी ट्रिब्यूटरी जो मेन चल रही थी वो उसमें वाटर क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया, जिसे हम लोग वितरिका कहते हैं। वितरण क्लियर है यहां पर? तो दो शाखाओं बटी, अब यहां पर नदी नहीं रही, ये दोनों वितरिकाएं हो गई। जब जाते हैं हम लोग बांग्लादेश में, इस नदी का नाम हो जाता है पद्मा। क्लियर? और ये नदी आपकी हो जाती है हुगली। अपने मैप को देखते जाइएगा और हमारे स्टेटमेंट्स को फॉलो करते जाइएगा, और ये यकीन मानिए कि आपको जब ये सेक्शन खत्म होगा तो ये सेक्शन आपके माइंड में पूरी तरीके से ब्रेन मैपिंग हो चुकी होगी। क्लियर है? अब देखिए स्टेटमेंट, भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां देवप्रयाग में मिल करके आपस में गंगा नदी के नाम से बहती हैं, और फरक्का से दो भागों में बट करके
हुगली और पद्मा के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए ये मेंस का अप्रोच है, आपसे फैक्ट पूछता है तो आपसे फैक्ट ये पूछेगा, क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम लोग इसमें नदियां कौन कौन सी मिलती हैं, सिर्फ हम लोग प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे। नदियों के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आपकी एक नदी आकर के मिलेगी जो नदी मिलेगी पहली है वो रामगंगा। नदी कौन सी है? रामगंगा। रामगंगा के बाद अगली नदी आपको मिलेगी गोमती। हम सिर्फ एक जनरल फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। गोमती के बाद जो नेक्स्ट रिवर आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको घाघरा। कौन सी मिलेगी? घाघरा। घाघरा के बाद जो आपको नेक्स्ट रिवर मिलेगी वो मिलेगी गंडक। गंडक के बाद आपको जो नेक्स्ट रिवर मिलेगी वो मिलेगी आपको बूढ़ी गंडक। ठीक, बूढ़ी गंडक के बाद जो आपको नेक्स्ट रिवर मिलेगी वो है आपकी कोसी। कौन सी है? कोसी। कोसी के बाद आपको जो नेक्स्ट रिवर मिलेगी वो आपकी है महानंदा। कोसी के बाद जो नेक्स्ट रिवर आपको मिलेगी वो है आपकी महानंदा। ध्यान दीजिएगा जिस डायरेक्शन से आपकी रिवर ये फ्लो हो रही है, ये डायरेक्शन इसके फ्लो का है, है ना। तो जिस दिशा से, जिस दिशा की वो नदी बह रही, जैसे ये देखिए डायरेक्शन ये है, हम ऐसे खड़े हो गए, तो ये जो हमारा जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है आपकी वो आपका फ्रंट होना चाहिए, और जिस दिशा से आपकी नदी आ रही है वो आपका बैक होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका राइट हैंड है वो रिवर का राइट हैंड हुआ, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वही रिवर का लेफ्ट हैंड हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो रिवर्स आपने ड्रॉ किया यहां पर, ये जो भी आपने रिवर्स यहां पर ड्रॉ किया, ध्यान दीजिएगा ये सब की सब कैसी हैं? लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, बाएं तट की सहायक नदियां, बाएं तट की सहायक नदियां, ये जितनी भी हैं। अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज जब हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा जो सबसे प्रमुख नदी है और भारत में आने पर सबसे लंबी सहायक नदी भी है वो आपको मिलेगी कौन सी? यमुना। नदी कौन सी है वो? यमुना। यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी और गंगा की प्रमुख नदी। अब यहां पर आते हैं जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल, केवल हम मेन मेन के बारे में बात करेंगे, और आगे चलते हैं यहीं पर ही यमुना के बाद जो आपकी गंगा में जाकर के मिलती है वो है आपकी सोन नदी। ठीक, और आगे चलते हैं जहां पर हुगली है, यहां पर एक नदी आकर के मिलती है इसी डायरेक्शन से, नाम इसका है दामोदर। अब देखिएगा ये एक जनरल फ्लो चार्ट है जहां पर आप रिवर सिस्टम्स को भी कुछ ना कुछ कैच कर रहे होंगे। अब आते हैं हम लोग असल मुद्दे पर। जब हम बात करते हैं कि इन मैदानों के बारे में, तो इस वाले सेक्शन को भी ध्यान से देखिएगा। यहां पर दिख रहा होगा आपको जो हमने हाथ से ड्रॉ किया हुआ है, गंगा, रामगंगा और गोमती, अर्थात यहां पर आते हैं तो गंगा से लेकर के गोमती के बीच तक का जो क्षेत्र है या दो नदियों के बीच का जो मैदान है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रुहेलखंड। क्या कहते हैं हम लोग इसको? रुहेलखंड। गोमती और घाघरा से बीच के देखिए जो आपका मैदान है, इसे हम लोग कहते हैं अवध का मैदान, जो आपका लखनऊ वाला क्षेत्र है। यहां पर घाघरा से गंडक के बीच में आइएगा तो ये आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान है। कौन सा है ये? पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान है। यहीं पर आते हैं जहां पर आप देख रहे हैं बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक और गंडक के बीच का जो मैदान है, जो कि बिहार में पहुंच गए आप लोग, यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहां बिहार पहुंचे, ये जो मैदान आपको मिलेगा ये मिलेगा सारण का। और आगे चलते हैं तो कोसी आपको दिख रही होगी। अब देखिएगा यहां पर जो कोसी है, बूढ़ी गंडक और कोसी के बीच का जो मैदान है वो आपका मिथिला का है।
और आगे चलिएगा, देखिए यहां पर आपको मिलेगा महानंदा। महानंदा और कोसी के बीच का जो मैदान है, इसे हम लोग बंगाल का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? बंगाल का। ये जितने भी आपके मैदान थे, ये सबके सब देखिएगा लेफ्ट हैंड पर है। अब यहां से कुछ क्लियर हो रहा है? अब इस वाले ग्राफिक्स पे हम लोग आते हैं जो हमने ड्रॉ किया हुआ है। जैसा कि हमने आपसे बताया, ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, गंगा से लेकर के रामगंगा और ये गोमती तक का हिस्सा, ये जो आप मैदान देख रहे हैं, है ना, जो मैदानी भाग, इसे हम लोग कहते हैं रुहेलखंड का मैदान, रुहेलखंड। ठीक, यहां पर आइएगा, देखिएगा गोमती और घाघरा के बीच के मैदान के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो मैदान है आपका, इसे हम लोग कहते हैं अवध का मैदान। क्या कहते हैं हम लोग इसको? अवध का मैदान। ठीक, अब यहां पर आते हैं हम लोग, देखिएगा यहां पर घाघरा और गंडक, रिवर्स कौन सी हैं? घाघरा और गंडक दिख रहा होगा। इसके बीच का जो मैदान है, ये वाला हिस्सा, इसे हम लोग कहते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग, यहां पर आइएगा, तो ये देखिएगा गंडक रिवर जा रही है आपकी। कौन सी जा रही है आपकी? ये रिवर गंडक जा रही है। अब गंडक को देखिएगा, गंडक और बूढ़ी गंडक, इन दोनों के बीच में हम लोग बात करेंगे। गंडक और बूढ़ी गंडक, यहां पर आ जाइए, ये हिस्सा हम लोग इन दोनों के बीच का जो मैदान बात कर रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं सारण। सारण का मैदान, ठीक। और आगे चलते हैं हम लोग, यहां देखिएगा बूढ़ी गंडक और कोसी, ये कोसी है और ये है बूढ़ी गंडक, दिख रहा है आपको। इसके बीच का जो मैदान है, ये वाला हिस्सा, इसे हम लोग कहते हैं मिथिला का मैदान, मिथिला का मैदान, ठीक है। यहीं पर आइएगा लास्ट में कोसी और महानंदा, यहां पहुंच जाते हैं हम लोग। जब कोसी और महानंदा पहुंचते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा इसके बीच में भी आपको एक मैदान मिलेगा। यहां पे कोसी और महानंदा के बीच में आते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं बंगाल का मैदान, बंगाल का मैदान, ये वाला हिस्सा, ठीक। अब यहां पर आते हैं हम लोग इसके, जब ये रिवर सिस्टम हमने देखा यहां पे, अब देखिए ग्राफिक्स को हमने यहां पर थोड़ा सा इसका जो जूम है वो हमने कम किया। अब यहां पर जो आप देख रहे होंगे, ये सेक्शन है गंगोत्री ग्लेशियर, ये आपकी गंगा से लेकर के गोमती तक का हिस्सा रुहेलखंड, गोमती से घाघरा अवध, घाघरा से गंडक पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंडक से बूढ़ी गंडक सारण का मैदान, बूढ़ी गंडक से कोसी मिथिला का मैदान, और कोसी से महानंदा बंगाल का मैदान। आगे आते हैं हम लोग, तो ये तो लेफ्ट हैंड की हो गई। हम लोग राइट हैंड के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, मतलब ये तो लेफ्ट हैंड के मैदान हो गए। राइट हैंड पर आते हैं, तो ये गंगा और यमुना के बीच में भी आपको एक मैदान यहां पर भी मिल रहा है, मिल रहा है ना, ये आपकी यमुना नदी, इसे हम लोग कहते हैं गंगा यमुना दोआब। और आगे पहुंचते हैं हम लोग, ये आपकी आ रही है सोन नदी। कौन सी आ रही है? सोन नदी, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अब सोन नदी के जो आसपास का मैदान है, इसे हम लोग मगध या अंग का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? मगध या अंग का मैदान कहते हैं। और आगे चलते हैं, जहां पर आपकी दामोदर नदी जाकर के हुगली में मिलती है,
ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी आपको एक मैदान मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं राढ़ का मैदान। जब आप मैप खोलिएगा तो आपको वहां पर राढ़ मैदान मिलेगा, ठीक है ना, राढ़ का मैदान। आते हम लोग आगे की ओर इस वाले सेक्शन पे। ये आपकी यमुना नदी और ये आपकी गंगा नदी जो मेन स्ट्रीम है। अब यहां पर आइएगा, तो देखिएगा ये जो आपका मैदान है गंगा और यमुना के बीच में, जहां पर इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर जो मैदान मिला इसे हम लोग कहते हैं गंगा यमुना दोआब। दोआब मतलब द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, है ना, एक ऐसी भूमि जो दो नदियों के मध्य में हो। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये देखिए आपको यहां पर सोन नदी मिलेगी। अब जो सोन नदी के जो आसपास का मैदान है, ये वाला हिस्सा जो कि सोन नदी के आसपास का हिस्सा है, ये जो मैदानी भाग देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं मगध या अंग का मैदान, है ना, ये हिस्सा हो गया। और आगे चलिएगा तो देखिए पहुंच गए आप लोग दामोदर। अब जहां पर दामोदर नदी बह रही है यहां का जो मैदान है इसे हम लोग कहते हैं राढ़ का मैदान। क्या कहते हैं हम लोग इसको, राढ़ का मैदान। ये पश्चिम बंगाल में मिलेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, नदी निकलती झारखंड से है, छोटा नागपुर पठार के हजारीबाग की पहाड़ियों से, और झारखंड की और पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदी है, और स्वतंत्र भारत की पहली जो है बहुउद्देशीय परियोजना इसी पर ही निर्मित की गई थी, ठीक। और ये तरीके से कहिएगा तो पूर्वी भारत में आने पर पश्चिम बंगाल और झारखंड की एक तरीके से लाइफलाइन भी है। तो यहीं पर ही आप आइएगा, जब पश्चिम बंगाल पहुंचते तो आपको यहां पर मैदान मिलेगा, और पश्चिम बंगाल में इसी मैदानी भाग पर ध्यान दीजिएगा जो इसका ऊपरी वाला हिस्सा है, मतलब यहां पर देखिए नदी गिर रही है आकर के, गंगा नदी हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल में, तो जहां पर नदी गिरेगी ये तो हो गया डेल्टा गंगा का। किसका डेल्टा हो गया, गंगा का डेल्टा, ठीक है ना, ये जलीय क्षेत्र हो गया। अब ध्यान दीजिएगा इसी डेल्टा का जो पहला क्षेत्र आपको मिलेगा, मतलब जहां तक पानी पहुंचता है उसे हम लोग कहते हैं बील। क्या कहते हैं हम लोग उसको, बील। और इसके ऊपर जाइएगा जहां पर ज्वारीय जल नहीं पहुंचता है, शुष्क क्षेत्र है, वो आपका है चार। पश्चिम बंगाल में धान की खेती यही होती है और साल भर में 3 से 4 फसलें ली जाती हैं चार वाले क्षेत्र में। जबकि जब बील वाले क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो जो आपने पढ़ा होगा सुंदरबन का डेल्टा, है ना, या सुंदरबन टाइगर रिजर्व, वो सब कहां मिलेंगे आपको, यही बील वाले क्षेत्रों में मिलेंगे, दलदली क्षेत्र एक तरीके से। तो ये देखिएगा कुछ इस तरीके से गंगा के मैदान को लेकर के आपने जो है एक अपना फ्लोचार्ट ड्रॉ कर लिया, ठीक, ये आपके सामने है। उम्मीद करूंगा आप लोग अपने वीडियोस को जो है यहां पर ग्राफिक शॉट लेंगे और ये आपकी चीजें थोड़ा सा और बेहतर हो जाएंगी। अब यहीं पर ही हम लोगों ने एक डिवीजन इसी में किया कि ये जो हिस्सा आप देखते हैं, ठीक है ना, ये रुहेलखंड और अवध, ठीक है ना, ये दोनों आएंगे ऊपरी गंगा के मैदान के अंतर्गत, ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है। जबकि यहीं पर आइएगा तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और सारण है, ये दोनों जो देख रहे हैं आप लोग ना, तो ये दोनों आएंगे आपके मध्यवर्ती गंगा के अंतर्गत। मध्यवर्ती गंगा में पूर्वी उत्तर प्रदेश, सारण, मिथिला, मगध और गंगा यमुना दोआब, ये मध्यवर्ती गंगा के मैदान के हिस्से हैं, ठीक है ना, ये मिथिला वाला भी इसी में आ जाएगा। जबकि जो बंगाल का मैदान देख रहे हैं, राढ़ का मैदान देख रहे हैं, चार और बील देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा आएगा निम्न गंगा मैदान के अंतर्गत। यहां पर आ जाते हैं हम लोग,
ये सेक्शन। जैसा कि हम देख रहे हैं अब जो है पहले वाले फ्लो चार्ट पर वापस आ जाते हैं। हमने इसके पहले गंगा के मैदान को देखिएगा तीन हिस्सों में बांटा था, ऊपरी गंगा, मध्यवर्ती गंगा और निम्न गंगा। देखिए जूम करते हैं हिस्सा, है ना, दिखा आपको ऊपरी गंगा, मध्यवर्ती गंगा और निम्न गंगा बताया था। जैसे अभी देखिए मैं एक्सप्लेन करते जा रहे हैं चीजों को, हम फ्लो चार्ट से यहां पर पहले ही ड्रॉ आपसे कर चुके हैं। अब ऊपरी गंगा के अंतर्गत हमने आपसे जैसे फ्लो चार्ट में बताया वहां पर रोहिलखंड और अवध का मैदान, ठीक है ना। मध्यवर्ती गंगा में आइएगा तो गंगा यमुना मैदान, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, सारण का मैदान, मिथिला का मैदान, यहां पर आइए मगध या अंका मैदान, ठीक। और आगे चलते हैं जो पश्चिम बंगाल देख रहे हैं आप, पश्चिम बंगाल का मैदान ये निम्न गंगा का मैदान है ना। और इसी पश्चिम बंगाल या बंगाल के मैदान को देखिए हमने दो मैदानों में बांटा, राड़ का मैदान और गंगा ब्रह्मपुत्र निर्मित डेल्टा। जब डेल्टा पहुंचते हैं तो हमने बताया यहां पर पश्चिम बंगाल पहुंचिएगा तो आपको दो मिलते हैं, चार और बिल मिल रहे हैं यहां पर, है ना। अब अगर हम लोग देखते हैं जो आपका ऊपरी गंगा का मैदान है, ये वाला हिस्सा ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा के मैदान को हम लोग देखें तो ये मिलेगा आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कहां मिलेगा ये? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और ये जो ऊपरी गंगा का मैदान है ये ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक। यहां पर विभिन्न प्रकार का आपको उद्योग ज्यादा मिलेगा और उद्योगों के मिलने के साथ साथ में ध्यान दीजिएगा अगर हम लोग बात करेंगे तो जो विकास की अवधारणा है वर्तमान समाज में, जहां पर उद्योग है वहां पर विकास मिलेगा, ठीक। लेकिन इस विकास के अपने एक दूरगामी परिणाम भी है जो कि पर्यावरणीय है, चुनौतियां भी हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं अगर विकास है वहां पर तो विभिन्न प्रकार का प्रदूषण भी मिलेगा। आगे क्लास में जब आपके और थोड़ा बेहतर चलेगी यहाँ पे रेगुलर क्लासेस तो हम वहां पर और भी बेहतर आपको बताएंगे प्रदूषण कैसे। प्रदूषण जैसे ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में जाइएगा धुआं निकल रहा है, वायु प्रदूषण हो गया। केमिकल जो निकल रहे हैं वो जल में जा रहे हैं तो जल प्रदूषण हो गया। वही आपका केमिकल कहां जा रहा है? अंडरग्राउंड वाटर में, है ना, तो वहां का जलीय प्रदूषण हो गया। साथ ही साथ अब उसी जल से आप सिंचाई भी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका मृदा प्रदूषण भी हो रहा है। साथ ही साथ औद्योगिक और विकसित क्षेत्र है तो खेतों में जो है वहां पर फर्टिलाइजर्स का यूज ज्यादा हो रहा है तो मृदा प्रदूषण भी आपका हो रहा है। अब ये सारे प्रदूषण अगर होते जा रहे हैं तरीके से तो जो व्यक्ति का स्वास्थ्य है वो खराब होगा, है ना। और इन सब चीजों की वजह से अगर देखते हैं तो हम ऐसे समाज में रहते हैं जो कि हम जो जिसे कहते हैं भारत गांव का देश है, तो गांव का जो कल्चर है और शहर का कल्चर दोनों अलग अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर जाइएगा तो शहरी कल्चर आपको मिलेगा, आपको कुर्ते के साथ में जींस पहना हुआ मिलेगा, ठीक है ना। आप अगर देखिएगा तो बच्चा जींस पैंट पहना है, नीचे क्या पहना है? जूती पहना हुआ है। इंडियन कल्चर और फॉरेन कल्चर दोनों को मिक्स करता है, एक तरीके से क्या सांस्कृतिक प्रदूषण हुआ। प्रदूषण मतलब ये हुआ कि प्रदूषण हम लोग कैसे कहते क्या है। प्रदूषण एक तरीके से आप समझिए, पॉल्यूशन वो है कि अगर हम कहें कि ये जो पृथ्वी है या हमारा जो शरीर है ये पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है। अब इसी पंच महाभूत में कोई एक मिक्स कर दीजिए आप या कोई एक पार्ट हटा दीजिए तो अब आपका जो स्वास्थ्य है वो खराब हो गया और उसमें कोई ना कोई एक चीज नया मिक्स हो गया या कोई एक चीज हट गया। तो जो एक कोई भी तत्व जो कि एक निश्चित तत्वों का सम्मिश्रण होता है, उस सम्मिश्रण का जो एक निश्चित उसका पैरामीटर होता है उसमें छेड़छाड़ कर दी जाए तो वही क्या है आपका प्रदूषण। आपका समाज भी क्या हो गया? प्रदूषित। ये आपको जितने प्रकार के प्रदूषण कहां मिलेंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और पहुंचते हैं यहीं पर ही तो जो आपका मध्यवर्ती गंगा का मैदान है, ये वाला हिस्सा जिनके अंतर्गत आपने इन मैदानों को देखा, ये इन बात करते हैं तो मध्यवर्ती गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मिलेगा। और जब यहां पहुंचिएगा तो इस मैदानों की विशेषता यह है कि यहां पर आपको निम्न भूभाग मिलेंगे। क्योंकि निम्न भूभाग है तो पानी रुकता है वहां पर, तो वहां पर जो आपको निम्न भूभाग है उन्हें ताल, बील, चौड़ कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा यही आपको क्षेत्र कहां मिलेंगे? गोखुर झील भी आपको मिलेगा। गोखुर झील के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे और बेहतर तरीके से। और आगे चलते हैं, जो आपका निम्न गंगा का मैदान है जहां जो कि आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा, यहां पर आपको चार और बील मिलता है। चार आपका जो है एक तरीके से ऐसा क्षेत्र है जहां पर ज्वार का जल नहीं पहुंचता है। यहां पर पश्चिम बंगाल में धान की खेती की जाती है। बील वह क्षेत्र जो कि दलदली क्षेत्र है, क्यों? क्योंकि यहां पर प्रतिदिन ज्वार का जल पहुंचता है। हम बात कर रहे थे यहां पर गोखुर झील के बारे में। गोखुर झील के बारे में सामान्यतः ये समझिए
जैसे हम देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में आइए, कोई भी नदी पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है, ये आपका कोई एक पर्वतीय क्षेत्र हो गया, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा जब तक ढाल ज्यादा है तो नदी का मार्ग क्या होता है, सीधा। जैसे जैसे कि ढाल कम होता जा रहा है, रिवर क्या कर रही है, मीएंडर। क्यों ऐसा? क्योंकि स्लोप कम हो गया, तब स्लोप कम होने के साथ साथ में अब रिवर क्या, जिस डायरेक्शन में स्लोप मिल रहा है उस डायरेक्शन में वो रिवर मुड़ती जा रही है। तो रिवर का जो रूट है बजाय सीधा होने की अब क्या कर रहा है, वो एक सांप की तरह देखिए यहां पर मुड़ता जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, रिवर के रूट में इस टाइप का जो आपको मिलता है फीचर, इसे ही हम लोग जब ज्योग्राफी पहुंचिएगा और जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इसके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं इसे ही हम लोग कहते हैं विसर्प। और विसर्प की जो इंग्लिश होती है वो होती है मियांडर्स, है ना, मियांडर। या एक तरीके से अगर हम लोग सामान्य हिंदी का प्रयोग करें तो हम लोग कहते हैं मोड़। क्या कहते हैं हम लोग इसको? मोड़ कहते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जैसे ही स्लोप फिर से मिला तो देखिए रिवर का डायरेक्शन क्या हो रहा है, फिर से यहां पर सीधा हो रहा है। गोखुर झील बनना कैसे? अब देखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर कि ये आपका रिवर का, देखिए जो पानी है आपका जल कुछ आ रहा है ऐसे, आने के बाद देखिए रिवर का जो तट है कोस्ट, अब देखिए इसमें देखिए दो तट हैं, एक तट आपका ये हो गया और एक तट देखिए ये हो गया। तो चूंकि जो पानी है वो जाकर कहां हिट करेगा, सीधे इस वाले कोस्ट पर, यहां पर क्या करेगा वो, कटाव। अब चूंकि यहां पानी नहीं आ रहा, जो कटाव कर रहा है रिवर यहां पर क्या करेगा, अवसादों को जमा कर रहा है, यहां पर अवसादों क्या करेगा, जमाव करेगा, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस। एक कोस्ट पर रिवर क्या करती है, जमाव करती है, एक कोस्ट पर क्या करती है, रिवर कटाव करती है। अब यही प्रोसेस यहां पर आके टकरा रहा है, यहां कटाव करेगी, यहां पर क्या करेगी, जमाव। फिर से देखिए रिवर कहां जा रही है, यहां पे, ठीक। अब देखिए यही जल क्या हो रहा है, यहां पे टकरा रहा है, फिर आगे मुड़ रहा है, फिर यहां पे जाके टकरा रहा है, फिर आगे मुड़ जा रहा है, फिर देखिए यही जाके यहां टकरा रहा है, फिर यहां आके टकरा रहा है और फिर आगे बढ़ जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, एक समय ऐसा आता है कि यही जल यहां पे टकराएगा, यहां पे टकराएगा, यहां पे टकराएगा, टकराते टकराते जो किनारे इसके होते हैं, ये जो टकरा रहा है ये हिस्सा, टकराते टकराते क्या हो जाता है, इससे यहां पे भी कटाव होगा और यहां पे भी, और ये रास्ता जाकर के इससे मिल जाता है। अब मिलने के बाद जो रिवर का फ्लो है वो कुछ जो ऐसा था आपका, देख रहे ना, अब बजाय इधर की आने के सीधा पानी कैसे हो गया, निकल गया आगे की ओर। यह प्रक्रिया कई बार होती है और हर जगह होती है मैदानों में। अब देखिएगा, जो पानी है सीधे निकल गया, अब यह हिस्सा नदी का पुराना मार्ग, जब इसको आप ऊपर सैटेलाइट से देखते हैं तो जैसे लगता है किसी गाय की खुर की तरह, कैसे लगता है, ये गाय की खुर की तरह लगता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम लोग इसको ऑक्सबो कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? ऑक्सबो कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको गोखुर। चूंकि ये नदी का पुराना मार्ग है तो यहां पर आपको जल भी मिलता है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं गोखुर झील। तो देखिएगा, एक तरीके से अगर हम लोग सामान्य भाषा में बात करें, इस पूरे ग्राफिक्स को अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग सामान्य भाषा में बात करें तो पर्वतों से निकलने के बाद सामान्यतः नदियां मैदानों में, कहां पर, मैदानों में अपने मार्ग को सीधा करने के क्रम में गोखुर झील का निर्माण करती हैं। प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आते हैं हम लोग असम के मैदान पर। यह हिस्सा हम लोग देखते हैं असम के मैदान के बारे में। जब हम लोग बात करते हैं असम के मैदान के बारे में, यहां पर आइएगा,
असम का मैदान अगर हम लोग देखें, ये आपका हो गया एशिया का मानचित्र एक तरीके से, ये आपकी ब्रह्मपुत्र, और एशिया के मानचित्र पर अगर आप आते हैं तो ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र वैली, यही आपका आता है असम का मैदान। ठीक, यहां पर आते हैं इस वाले फ्लो चार्ट में देखते हैं, ये आपका ब्रह्मपुत्र, ये आपका है असम का मैदान। क्लियर, यहां पर आइएगा, ये हिस्सा देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र, जोर जोर आपको क्लियर होता जा रहा होगा, ये आपका है असम का मैदान, एक ऐसा मैदान जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बह रही है, और वो भी विशेष रूप से या उसका जो मुख्य भूभाग है जहां पर मैदान की रचना हुई है वो आपको मिलेगी असम राज्य में। और आगे चलते हैं, अब यहां पर आते हैं नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन, जब हम लोग बात करते हैं इसकी फिजियोग्राफी को हम लोगों ने क्या किया था, अलग अलग हिस्सों में बांटा था इसके भौतिक प्रदेशों को, तो ध्यान दीजिए ये जो आपने देखा था नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन, यहां पर आइएगा तो ये आपका पंजाब हरियाणा का मैदान, ये आपका राजस्थान का मैदान आपने देखा, फिर यहां पर आते हैं ये आपका गंगा का मैदान, ये वाला हिस्सा गंगा का मैदान यहां तक, ठीक, और ये जो आप मैदान देख रहे हैं ये आपका है पूरा का पूरा किसका, असम का मैदान। ठीक, असम के मैदान के अंतर्गत हम लोग इसको देख रहे हैं। अब देखिएगा यहां पर इंडस बेसिन, गंगा बेसिन, और ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये आपका है ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। ठीक, हम लोग इसी मैदान के बारे में बात करेंगे, ये वाला हिस्सा। अब यहां पर देखिएगा और भी बेहतर आप समझ सकते हैं, यारलुंग जांगपो ब्रह्मपुत्र का नाम है तिब्बत में, और देखिएगा यहीं से ही चाइना ने जो डैम बना रखे हैं तिब्बती क्षेत्र में, ये उनके बारे में बात करेंगे हम लोग आगे चल करके। देखिए अरुणाचल प्रदेश से यही रिवर भारत में प्रवेश करती है, और देखिए ये वाला हिस्सा बांग्लादेश होते कहां जा रही है, बे ऑफ बंगाल में। और आगे आते हैं हम लोग, अब देखिएगा यहां पर इस वाले मैप में है ना, यारलुंग जांगपो या सांगपो ब्रह्मपुत्र तिब्बत में नाम बता रहे हैं हम लोग, ये आपकी नदी आ रही है, और देखिएगा ये तीस्ता रिवर, ये ब्रह्मपुत्र, और ये देखिएगा हिस्सा, ये आपके असम के मैदान के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और क्लियर आपका हुआ यहां पे क्लासिफिकेशन, हम लोग जैसे जैसे हम सेक्शंस को आपको ड्रॉ करते जा रहे हैं हमने उस तरीके से इसके मैप्स को सेट भी किया हुआ है ताकि आप चीजों को और बेहतर समझ सके। अब देखिएगा हम यहां पर और भी स्पेशल हो गए, यहां पर देखिएगा जो मैप आपके सामने है यहां पर इंडिया में देखिएगा लोकेशन ये पूरे असम स्टेट का है, हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं, और यही वाला हिस्सा आपका आता है असम के अंतर्गत। ठीक है ना, और इसी चीज को हम लोग अब यहां पर इसका देखते हैं पॉलिटिकल मैप, ये वाला हिस्सा पॉलिटिकली देखिएगा तो जो असम का मैदान है थोड़ा सा हिस्सा कहां जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा सा हिस्सा नागालैंड का जाएगा, और यहां पर आते हैं तो मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा यहां पर नहीं जाता है, बल्कि थोड़ा सा हिस्सा हल्का सा मेघालय का लेता है, और ये पूरा हिस्सा आता है आपके असम के मैदान के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट में, ये वाला हिस्सा। ठीक है ना, रिलीफ फीचर ऑफ मैप अगर आप देखते हैं तो अब देखिएगा ये आपका ब्रह्मपुत्रा प्लेन, यहां पर देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा है ना, ये हिस्सा इसी ही हम लोग काउंट करते हैं, क्योंकि अब असम राज्य लिखा गया है, क्योंकि पूरे मैदान में आइएगा तो सबसे ज्यादा जो मैदानी भूभाग है वो कहां पर है आपके, असम राज्य में है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि और भी राज्यों में उस मैदानों का वो असम के मैदान का विस्तार नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। यहां पर देखिएगा और ज्यादा क्लियर होंगे आप, ये आपका होते हुए यहां पर नीचे का हिस्सा आपका मेघालय, मेघालय के नॉर्थ से बहते हुए देखिएगा असम से होते कहां जाके बहती है, बांग्लादेश में, ये हिस्सा जो जितना भी आप ग्रीनरी देख रहे हैं है ना, यहां पर आपका जो है ये पूरा हिस्सा दिखा रहा है, यही हिस्सा आपका है असम के मैदान के अंतर्गत। ये ज्यादा बेहतर है अगर किसी आपको जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं जिनको ज्योग्राफी थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट पता है, ये जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा इसकी जो ऊपर का थोड़ा सा डार्क होता जा रहा है सेट देख रहे हैं ना, इसका दिखा रहा है कि इसकी जो हाइट है थोड़ी सी बढ़ती जा रही है ना। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा है भारत और चीन के बीच का हिस्सा जिसे हम लोग मैकमोहन लाइन कहते हैं है ना, जबकि हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये तो आपका हिमालयन रीजन हुआ, और ये नीचे के हिस्से भी आपके पहाड़ियां हैं, और ये आपका प्रायद्वीपीय पठारी भाग का हिस्सा जिसे हम लोग मेघालय का पठार या हम लोग गारो मिगिरो पठार के भी कहते हैं। इसके बीच का देखिएगा जहां पर जो लाइट सेक्शन दिख रहा है आपको,
हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, यही हिस्सा आपके असम के मैदानी भूभाग का है। कुछ और बेहतर चलते हैं हम लोग, जब बात करते हैं असम के मैदान के बारे में तो दोनों तरफ आपको देखिएगा पहाड़ियां मिलेंगी यहां पर, क्लियर है ना। यहां पर एक तरफ हिमालय है, एक तरफ मेघालय का पठार है, और देखिए रिवर को देखिए इस तरीके से देखिए बहते हुए दिखाई दे रही बीच में। तो यही जो आपके मैदानी भूभाग है हम उन्हीं के बारे में चर्चा यहां पर कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए और क्लियर आपको होगा इस वाले व्यू में, यहां पर आने के बाद से ये देखिएगा यहां पर पहाड़ियां देखिए चारों तरफ दिख रही हैं, और देखिए आपकी रिवर बह रही है, यही आपका मैदानी भूभाग है यहां पर, ये वाला हिस्सा, क्लियर। ये आपकी रिवर ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है ना, ये आ रही है, और हमने भारत के ही सेक्शन को केवल लिया है। जब हम लोग रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो हम लोग ब्रह्मपुत्रा को और बेहतर तरीके से देखेंगे वहां पर। यहां पर ये वाला भी देखेगा आपके उसी डेनस सिस्टम का ही ब्रह्मपुत्रा का हिस्सा है, ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है आपकी, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर ये वाला हिस्सा आते हैं तो दिबांग रिवर, फिर यहां पर लोहित, फिर यहां पर आएगा दीको, फिर दिहांग, फिर धनसरी, फिर कपली, फिर कलांग, ठीक है ना, फिर यहीं पर कृष्णाई, ठीक है ना, फिर यहां पर सिंगामारी, तीस्ता, संकोस, मानस, है ना, फिर यहीं पर आइएगा आपको रंगा, दिनकरन, फिर यहां पर सुबनसिरी, और आते हैं यहीं पर ही तो आपको मिलेगी कमला रिवर, यहीं पर आपको मिलेगी सिंहा। नाम याद हुए, थोड़ा सा भूल रहे होंगे, बहुत जल्दी हमने बोला, क्यों, क्योंकि हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे असम के मैदान के बारे में, क्लियर हुआ ना। यही हिस्सा आपका, इस मैदान की विशेषता क्या है, नॉर्थ ईस्ट में आते हैं हम लोग जब, तो नॉर्थ ईस्ट में आने के बाद से हम लोग जब नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, इस वाले मैप पे आइए आप, ये आपने पढ़ा होगा इसके पहले, हमने बताया था ना यहां पर जलवायु विभाजक, ध्रुवीय पौने जल विभाजक, इसे हटाते हैं हम लोग, ठीक, ये वाला हिस्सा जिसे हम लोग यहां पे जूम कर रहे हैं, देख रहे ना यहां पे, ये हिस्सा हम लोग बात कर रहे हैं, यही हिस्सा आपका है असम के मैदान का। इस मैदान में आइएगा तो यहां पर जो इसकी प्रमुख विशेषता एक तरीके से जनजाति है, मात्सत्तात्मक है, बांस यहां पर ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होता है, क्योंकि कहां पर आइए कर्क रेखा से नजदीक है, तापमान ज्यादा होगा, साथ ही साथ यहां पर जो है बे ऑफ बंगाल का जो आपका ब्रांच है, मतलब बंगाल सागर मानसून शाखा, यहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, ठीक, एक तरीके से जो मैदानी भाग है घाटियों के बीच में है, तो यहां पर जो है जो दशाएं हैं वो चावल की कृषि के लिए ज्यादा अनुकूल है, ठीक। साथ ही साथ ये पहाड़ी क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र, इसलिए यहां पर उतना विकास नहीं हुआ है, लेकिन चावल कृषि होती है, तो यहां पर चावल की संस्कृति, बांस की संस्कृति, और यहां पर मात्सत्तात्मक जैसे परिवार की विशेषताएं पाई जाती हैं। ये तो हुआ आपका असम का मैदान। तो एक तरीके से जो आपने प्लेन पढ़ा हमारे साथ में आज नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन के बारे में, तो नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन के हिस्से को जब हम लोग बांटते हैं यहां पर, उत्तर के बृहद मैदान को यहां पर ध्यान दीजिएगा, सिंधु सतलुज का मैदान, गंगा का मैदान, और यहां पर आइएगा तो आपको मिलेगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीन मैदानों में हमने बांटा उत्तर भारत के बृहद मैदान को, सिंध सतलज के मैदान में हम लोगों ने जो बात किया वो पंजाब के बारे में बात किया, गंगा के मैदान, और इसी के बीच में आपको एक मैदान और हमने बताया पंजाब और राजस्थान का मैदान। गंगा के मैदान पर यहां पर गंगा की प्रमुख विशेषताएं, जबकि ब्रह्मपुत्र के मैदान पर आपको ब्रह्मपुत्र की विशेषताएं आपको ज्यादा मिलेंगी, क्लियर हुआ। तो ये आपका प्लेन का हिस्सा हुआ। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग।